मेरा नाम प्राप्ति शर्मा है, मैं देहरादून से हूँ। लास्ट ईयर मेरी मैरिज हुई थी तो मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ माई मैरिज वी गॉट अ गुड न्यूज़ दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो हम एक अपने नियर बाई हॉस्पिटल गए, वहाँ पर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो हम अल्ट्रासाउंड कराने गए। वहाँ पर पता चला कि मेरे एक सिस्ट है यूट्रस में, फाइब्रॉयड है बेसिकली। सो हमने वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद हम वापस उस हॉस्पिटल गए। वहाँ पर जाकर हम डॉक्टर से मिले, बट उस डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाई हमको, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हम लोगों को बहुत दुख हुआ, उन्होंने बोला कि सर्वाइवल नहीं है बेबी का एंड ऑल। तो हम घर आए, फिर मेरे हस्बैंड ने सर्च किया कि हम कहाँ और जा सकते हैं, बिकॉज हम वहाँ वापस नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद एक फैमिली डिस्कशन में हम डिसाइड किया कि हम किसी और अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी को प्रोसीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी है आगे डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। फिर जब एक्चुअली मैं फॉर लास्ट 8 to 9 ईयर्स मैं पहले मैक्स हॉस्पिटल में अपनी मदर का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तो उसका रिव्यू बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी गायनोलॉजिस्ट सर्च किए, तो रश्मि मैम का नाम टॉप पे आया। मैंने उनकी ओवरऑल प्रोफाइल भी पढ़ी मैंने, और फिर लेकिन फिर भी कोई डिसीजन लेने से पहले मैंने प्राप्ति को 2-3 जो गायनोलॉजिस्ट मैंने फाइनलाइज किए थे वो मैंने उसे भेजे। उसमें मैंने उसे बिना बताए उसने भी रश्मि मैम को ही फाइनलाइज किया, और मैं भी इंटरनली रश्मि मैम को फाइनल करके बैठा था। जब हम दोनों का क्लियर हो गया उसके बाद हम डॉक्टर रश्मि मैम से अपॉइंटमेंट लेके मिले। When Prapti first consulted me, she was recently married and she was unaware of this much huge fibroid in the uterus. And when she get aborted and an ultrasound was get done, this shows a big fibroid in her uterus. The fibroid was very huge, and generally these fibroid distort the uterine cavity and causes infertility or abortion in patients. When fibroids are small in size, generally they don't need any kind of surgery and we can handle it with the medical treatment. But when fibroid is huge, then ideal should be myomectomy, that is removal of that fibroid from uterus and conserve the uterus. She was a good candidate for robotic assisted myomectomy, so we admit her for this procedure. After meeting her, approx 15-20 days baad June mein mera operation hua, and wo thoda critical tha, but Dr. Rashmi ma'am ne hum logo ko bahut hi zyada confidence diya, sab kuch bahut acche se kiya. Main yahan par admit rahi 3 din, uske baad mera operation acche se ho gaya. Robotic operation hua to thoda sa stressful tha wo time hum logo ke liye, kafi family ke liye, but jaise hi madam bahar aayi unhone jaise hi hame bola ki nahi everything is fine, वो जो एक रिलीफ था वो शायद मैं भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, जो मैडम की वजह से हमें मिला है, मैं इसके लिए फुल क्रेडिट मैडम को देना चाहूँगा। सो आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, दे हैव विजिटेड मैम, और उन लोगों ने भी हमेशा यही बोला है कि शी इज़ वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस देते हैं और सब कुछ अच्छे से समझाते हैं। नाउ गुड न्यूज इज दैट प्राप्ति इज प्रेगनेंट एंड शी इज कैरिंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड नाउ शी इज अटेंडिंग हर एंटीनेटल क्लिनिक्स रेगुलरली। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.